सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड सभागार में शुक्रवार को बीएलटीएफ का एक रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि जिले का सबसे बड़ा पंचायत व आबादी वाला प्रखंड जमुआ है, जिसके मद्देनजर सरकार के जारी दिशा निर्देश अनुसार कोरोना संक्रमण प्रसार एवं नियंत्रण के लिए नियमों का अनुपालनार्थ कार्य योजना का निर्माण कर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियम का उल्लंघन करने वाले पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगा। पंचायत सेवक रोजगार सेवक को वीडियो ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत समस्त कार्य पंचायत में क्रियान्वित करना है। साथ ही कहा कि कोविड-19 का जिन्होंने पहला टीका ले लिया है उन्हें दूसरा टीका भी लेना अति आवश्यक है एवं टीका के प्रति गलत अफवाहों से दूर रहे और वहीं सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैलाने वाले पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। कहा कि जागरूकता जानकारी सतर्कता व नियमों के अनुपालन से ही कोरोना को पराजित किया जा सकता है। इस अभियान में एक एक नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। वहीं बैठक में पीएम आवास प्रखंड समन्वयक संतोष प्रसाद वर्मा, बीपीएम डॉक्टर आलोक कुमार, सीएससी मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे, सत्यनारायण यादव, सुरेश वर्मा सहित पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज कोविड को लेकर के ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक के जिसमें प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड के सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहे, क्योंकि कोविड का लगातार प्रसार बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए और लोगों को सही सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैठक की गई। साथ में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा जो भागीदार हो इसका सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि कहीं कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो उसका हम लोग कैसे सुरक्षात्मक उपाय ले सकते हैं, इसको लेकर के पंचायत सचिव को बताया गया है और आशा करते हैं कि हम लोग कोविड पर अच्छे से काम करेंगे और प्रसार को रोकेंगे। सभागार में वीडियो साहब की अध्यक्षता में बीएलटीएफ का बैठक किया गया, जिसमें सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक, हमारे कुछ हेल्थ स्टाफ भी मौजूद थे। हम लोगों ने अभी इस कोरोना महामारी को फैलते हुए, जो अभी पूरे देश में महामारी का प्रकोप ले चुका है, उसके संदर्भ में बैठक किया था। एक अर्जेंट बैठक थी ये, और इसमें कल भी हम लोग को जमुआ में 29 पॉजिटिव केस मिला था, जिसमें डिफरेंट 8 आरटीपीसीआर से, 9 ट्रूनॉट से, रेस्ट एंटीजन किट से, और सभी को होम आइसोलेशन में रखे हैं, होम आइसोलेशन का किट दिए हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को कोरोना का प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया कि इसको कोरोना का प्रोटोकॉल को पूरा कड़ाई के रूप से जो है पालन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कपड़े वाला मास्क जो है संक्रमण को फैलाएगा, ये हम पब्लिक के बीच में देना चाहेंगे कि कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल ना करें, 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल करें, दिन में 4 से 5 बार हैंड वॉश करें और भीड़ भाड़ वाले इलाका में ना जाएं। वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग को जो अफवाह है सभी के बीच में, उस अफवाह को भूल जाएं। वैक्सीनेशन से फैटलिटी रेट जो है, मृत्यु दर हम लोग का कम होती है, इसलिए वैक्सीन का सेकंड डोज हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं जमुआ प्रखंड में, और साथ में फर्स्ट डोज भी साथ में करते रहेंगे। और सभी लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सेकंड डोज जरूर लें, जो फर्स्ट डोज लिए हैं वो सेकंड डोज जरूर लें, तभी जो है फर्टिलिटी रेट कम होगा। सेकंड डोज लेने के 14 दिन के बाद जो है बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जो है पैदा होती है।